भारी बारिश के कारण देश के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति हो गई है। कई जगह पहाड़ दरक रहे हैं और सड़कें भी धस रही हैं। इसी बीच अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर बारिश और बाढ़ को लेकर कई दावे वायरल किए जा रहे हैं। इनमें कुछ वीडियो को भारत का बताकर शेयर किया जा रहा है तो कई वीडियोस ऐसे हैं जो पुराने हैं लेकिन उन्हें हालिया हालातों से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। विश्वास न्यूज ने इन सभी दावों की पड़ताल की और आज हम आपको इन सभी वीडियो का सच बताएंगे। पहला वीडियो। सबसे पहले हमारे सामने एक वीडियो आया जिसमें पानी के तेज बहाव में एक बस को पलटते हुए देखा जा सकता है। यूजर्स इस वीडियो को जिस तरीके से शेयर कर रहे थे उससे ऐसा प्रतीत होता था जैसे ये वीडियो हाल की घटना का है, लेकिन जब विश्वास न्यूज ने अपने पड़ताल की तो मामला कुछ और ही निकला। असल में ये वीडियो अगस्त 2023 को नैनीताल जिले के रामनगर में धनगढ़ी पुल पर हुए एक हादसे का है जब एक बस नाले में पलट गई थी। उसी वीडियो को कुछ लोगों ने हालिया बताकर गलत दावे से शेयर करना शुरू कर दिया था। दूसरा वीडियो। एक ऐसे ही अन्य वीडियो जिसमें एक सुरंग के पास सड़क धसते हुए देखी जा सकती है उसे कुछ यूजर्स ने भारत का बताकर शेयर किया। दावा किया गया कि ये वीडियो अटल सुरंग के पास का है, लेकिन जब विश्वास न्यूज ने अपनी जांच की तो इस दावे को गलत पाया। असल में वायरल वीडियो तुर्की का है। ये घटना साल 2023 में तुर्की के ओर्डो में हुई थी जहां भारी बारिश के कारण दारिकाबासी सुरंग के बाहर की सड़क ढह गई थी। वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। तीसरा वीडियो। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तेज तूफान और बारिश में लोगों को इधर उधर गिरते देखा जा सकता है। कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर कर दावा किया कि तूफान और बारिश का ये वीडियो पाकिस्तान के कराची का है और हालिया है, पर जब विश्वास न्यूज ने इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला कि दावा गलत है। असल में इस वीडियो का कराची से कोई संबंध नहीं है। तूफान और बारिश का ये वीडियो चीन का है और अलग अलग वीडियो क्लिप को जोड़कर बनाया गया है जिसे कुछ लोग कराची का बताकर शेयर कर रहे हैं। विश्वास न्यूज की वेबसाइट पर आप ऐसे कई फर्जी और भ्रामक दावों से जुड़ी फैक्ट चेक रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। अगर आपको भी किसी दावे के सही होने पर संदेह है तो आप उसे हमारे साथ शेयर करें, हम आपको बताएंगे पूरा सच।